हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों, मैं यूपी आर्मी लाइन टेक्नीशियन ग्रेड टू 2020 के लिए थ्योरी की क्लास चला रहे हैं। तो उस थ्योरी क्लास में दोस्तों मेरा इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट चल रहा है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में आज मेरा उसी क्रम में आज मेरा 15 पार्ट है। इसके पहले ऑलरेडी हम 14 पार्ट का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, मेरा टॉपिक क्या है, पावर फैक्टर मीटर एंड एनर्जी मीटर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। एनर्जी मीटर से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम हर चीज़ को बहुत अच्छे से आज समझाएंगे, ठीक है। जिन बच्चों के ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स है या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स है, उन्होंने यूपी आर्मी लाइन टेक्नीशियन ग्रेड टू फॉर्म भरा है इंस्ट्रूमेंट पोस्ट के अंतर्गत, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आपके यहाँ भी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का सिलेबस है, तो इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आपके यहाँ भी पावर फैक्टर मीटर और एनर्जी मीटर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं, डायरेक्टली चलेंगे थ्योरी क्लास स्टार्ट करेंगे। इसके पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि इसके पहले दोस्तों क्या था कि हमने जो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव की सीरीज अपलोड की है, 1 से लेकर 54 पार्ट हैं उसके, ठीक है। तो अभी तो थंबनेल पे टॉपिक मेंशन नहीं था, तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने थंबनेल पर जो है टॉपिक को मेंशन कर दिया है। पूरी प्लेलिस्ट को हमने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यूपी आर पैनल TG2 EM एंड IM के नाम से, ठीक है। EM एंड IM के नाम से वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। हमने उसमें सारी वीडियो के थंबनेल को चेंज कर दिया है, ठीक है, और उसमें टॉपिक को मेंशन कर दिया है। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हर वीडियो में लगभग 30+ क्वेश्चन है, ठीक है, 30+ क्वेश्चन है। आप आसानी से उस वीडियो को आप देख सकते हो, वो आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से बताया है, बाकी उसे पूरा सॉल्व कराया है पूरी एनालिसिस के साथ, ठीक है। तो आप जाके उस वीडियो को आप देख सकते हो। बाकी आइए हम स्टार्ट करते हैं आज थ्योरी क्लास। पहले हम पढ़ेंगे पावर फैक्टर मीटर। देखिए दोस्तों, जो पावर फैक्टर मीटर है ना, ये आपने डिप्लोमा के सिलेबस में भी नहीं, लेकिन क्या होता है कि इससे एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, तो उसी एक नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए हम पावर फैक्टर मीटर को पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हमारा एनर्जी मीटर है, ठीक है। तो जब डिप्लोमा के सिलेबस में पावर फैक्टर मीटर नहीं है तो आपके ITI सिलेबस में बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन तब भी हम पढ़ लेते हैं उसे, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हम देखते हैं उसे। आइए दोस्तों, पावर फैक्टर मीटर का ऑलरेडी फिगर बना रखे हैं, ठीक है, तो आप इस फिगर को समझने का प्रयास करें। ये पावर फैक्टर मीटर है हमारा, ठीक है। अब इसमें देखिए पहले कि पावर फैक्टर मीटर थोड़ा स्केल ऊपर कट रही है, ठीक है, आप पहले ऊपर समझते चलते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, मेरी स्केल है और इसमें मेरा पॉइंटर लगा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए हमारी फिक्स कॉइल है, ये फिक्स कॉइल 1 है और एक नीचे फिक्स कॉइल लगी है, वो फिक्स कॉइल 2 है, ठीक है। ये फिक्स कॉइल हमारी 2 है, 2 फिक्स कॉइल लगी हैं इसमें और 2 मूविंग कॉइल लगी हैं। ये जो हमारी मूविंग कॉइल लगी है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काट रही है, ठीक है। अगर इनके बीच का एंगल देखा जाएगा तो जो एंगल होगा कितना होगा, वो 90 डिग्री का होगा। तो हमारी जो मूविंग कॉइल लगी है, दोनों मूविंग कॉइल 1 एंड मूविंग कॉइल 2, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है, ठीक है। इसके अलावा देखिए हमारी जो एक करंट है, मूविंग कॉइल 1 में करंट I1 प्रवाहित हो रही है, मूविंग कॉइल 2 में करंट I2 प्रवाहित हो रही है, ठीक है। हमने मीटर के लिए एक लोड लगा रखा है, मोटर का लोड लगा रखा है, ठीक है, लोड के रूप में मोटर को हमने ऑलरेडी लगा रखा है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं पावर फैक्टर मीटर। देखिए पावर फैक्टर मीटर दोस्तों क्या होता है कि इसमें कोई कंट्रोलिंग टार का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पावर फैक्टर मीटर में कोई कंट्रोलिंग टार का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आप कहोगे सर, कंट्रोलिंग टार का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? कंट्रोलिंग टार दोस्तों इसलिए प्रयोग नहीं किया जाता कि पावर फैक्टर एक बहुत लो वैल्यू को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप जानते हैं पावर फैक्टर की जो रीडिंग होती है लगभग 1 से कम ही होती है, ठीक है। तो हमेशा पावर फैक्टर का मान 1 से कम होना चाहिए, तो इसलिए बहुत कम वैल्यू के लिए हम पावर फैक्टर का मीटर का प्रयोग करते हैं मेजर करने के लिए, इसीलिए वहाँ पर कंट्रोलिंग टार का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अब इसके प्रिंसिपल को समझते हैं कैसे ये कार्य करती है। कार्य करने का तरीका क्या है दोस्तों, हमने सप्लाई से इसे कनेक्ट किया, ठीक है, इधर से करंट हमारी प्रवाहित हुई। तो करंट हमारी देखिए 2 भागों में बढ़ रही है, एक तो आ रही है इधर जो मूविंग कॉइल 1 में जा रही है और एक आगे से आ रही है जो कि मूविंग कॉइल 2 में जा रही है। जब एक करंट 2 भागों में बढ़ती है तो मूविंग कॉइल 1 और मूविंग कॉइल 2 जो कि दोनों 90 डिग्री पर लगे हैं, ठीक है, जब इन दोनों कॉइल में करंट प्रवाहित होती है, तो मैंने बताया था कि जब करंट में कॉइल में अगर कोई करंट आती है तो उसमें क्या होता है कि कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, EMF जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वोल्टेज जब जनरेट होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्टेज के कारण क्या होती है कि फोर्स जनरेट होती है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब मूविंग कॉइल वन और मूविंग कॉइल टू दोनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, दोनों एक दूसरे पर डिफ्लेक्टिंग तार के माध्यम से दूसरे क्या करेंगे, विक्षेपित करेंगे, ठीक है। तो यही इसी पर लगा हमारा क्या पॉइंटर लगा है हमारा, ये जो पॉइंटर लगा है, ठीक है। आज देखिए क्या होता है कि जो डिफ्लेक्टिंग टार हमारा कार्य करता है वो लेंज के नियम के अनुसार कार्य करता है। तो आप जानते हो कि लेंज के नियम में क्या होता है, जो क्वांटिटी हमारी जनरेट होती है वो क्वांटिटी उसी क्वांटिटी का विरोध करती है जिसके कारण जनरेट होती है, ठीक है। तो हमारी क्या है कि जो हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टार जनरेट होगा तो ऑलरेडी उसी फ्लक्स का विरोध करेगा जिसके कारण वो जनरेट हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, उसी के माध्यम से हमारी क्या करती है कि हमारी जो पॉइंटर होता है मूव करता है, पॉइंटर मूव करता है तो हमको क्या करते हैं रीडिंग मिल जाती है, ठीक है। तो हमारी जो स्केल है देखिए लगभग 0.7, 0.5, 0.1 हमारी यूनिटी के लिए बीच में वन है। अगर हमारा पावर फैक्टर क्या होता है यूनिटी होता है तो एक स्केल जो हमारी बीच की वन के लिए है, बाकी 0.7, 0.5 क्योंकि एक से कम ही हमारा पावर फैक्टर का मान होता है। तो हमारी स्केल बनी है तो इसी मूविंग कॉइल हमारी स्केल लगी हुई, ठीक है, पॉइंटर लगी है, इसी पॉइंटर के माध्यम से हमारा मेजर करता है। इस तरफ अगर रीडिंग आएगी तो क्या होगा, रीडिंग हमारी लैग होगी, और इस तरफ अगर रीडिंग हमारी क्या होगी लीड होगी। तो पावर फैक्टर हमारा लीडिंग भी होता है और लैगिंग भी होता है, ठीक है। बाकी प्रिंसिपल हमारा क्या है, प्रिंसिपल हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक मीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, इसका हमारा ये प्रिंसिपल है। बाकी दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है मैं दो चार पॉइंट बता देता हूँ, वही आपको देखना है, बाकी पावर फैक्टर मीटर से ज़्यादा कुछ आता नहीं, ठीक है। आइए हम बात करते हैं कुछ पॉइंट के बारे में। पहले बात अब देख लीजिए इसके डिफ्लेक्टिंग टार को, मैंने ऑलरेडी इसका फार्मूला एक जनरेट किया है, ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, बाकी सब चीज़ों को मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी देख रहे डिफ्लेक्टिंग टार क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टार का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था टी डी इक्वल टू क्या होगा I1 I2 cos अल्फा डी ओपन डी थीटा। ये हमारा क्या होगा डिफ्लेक्टिंग टार फार्मूला है हमारा इलेक्ट्रोडायनोमीटर का, तो उसके प्रिंसिपल पर कार्य कर रहा है तो वही वही वाला टार भी काम जनरेट होगा इसमें। तो टी डी इक्वल टू क्या होता है I1 I2 cos अल्फा डी एम अपान डी थीटा, ये हमारा क्या है टॉर्क है। हमने बताया था कि दो मूविंग कॉइल लगी है हमारी, ठीक है, तो मूविंग कॉइल में दोनों मूविंग कॉइल में करंट अलग अलग प्रवाहित हो रही है, तो उन करंट के बीच में क्या है 90 डिग्री का शिफ्ट है, ठीक है। तो अगर मूविंग कॉइल करंट हमारी ये है, दूसरी करंट हमारी 90 डिग्री के शिफ्ट पर है, ठीक है। तो मूविंग कॉइल एम सी वन में जो फ्लक्स जनरेट होगा क्या जनरेट होगा एम मैक्स साइन थीटा, और एम सी टू में मूविंग कॉइल टू में जो फ्लक्स जनरेट होगा एम मैक्स कॉस थीटा, ठीक है, ये जनरेट होंगे दोनों मूविंग कॉइल के बीच में फ्लक्स, ठीक है। तो मूविंग कॉइल वन में फ्लक्स क्या जनरेट हुआ है एम मैक्स साइन थीटा, मूविंग कॉइल टू में एम मैक्स कॉस थीटा, ये हमारा क्या है फ्लक्स जनरेट हुए हैं। तो हम बात करते हैं मूविंग कॉइल वन में, तो मूविंग कॉइल वन के जो फ्लक्स जनरेट हुआ है उस फ्लक्स के कारण हमारी जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है क्या है, डिफ्लेक्टिंग टार्क हमारा है I1 I2 cos अल्फा डी मैक्स साइन थीटा अपान डी थीटा, क्योंकि यम का देखिए हमने क्या बताया था, डिफ्लेक्टर फार्मूला को बताया था कि I1 I2 ठीक है कॉस अल्फा इंटू डी यम अपान डी थीटा, तो इसी यम के स्थान पे हमने क्या रखा है, यम के स्थान हमें रख दिया है यम मैक्स साइन थीटा, तो यम मैक्स साइन थीटा हुआ, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये सब प्रक्रिया करने के बाद दोस्तों क्या आएगा, एक फार्मूला जो बन के आता है, ठीक है, हमारा क्या होता है डिफ्लेक्टिंग टार फार्मूला जो होता है हमारा टी डी वन के लिए क्या हो जाता है I1 I2 cos अल्फा एम मैक्स cos थीटा, ये हमारी क्वेश्चन नंबर वन हो गई है, जो कि डिफ्लेक्टिंग टार्क वन है किसके लिए मूविंग कॉइल वन के लिए। आइए हम बात करते हैं मूविंग कॉइल टू में जो फ्लक्स जनरेट होगा उसका डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या होगा, ठीक है। तो मूविंग कॉइल टू में जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा आप देख सकते हो वही प्रक्रिया सेम है, वो करना है आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हमने डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करने के बाद आपको जो डिफ्लेक्टिंग टार्क मिला टी डी I1 I2 एम मैक्स कॉस अल्फा साइन थीटा, ये हमारा क्या है डिफ्लेक्शन टार्क है जो कि मूविंग कॉइल टू के लिए, ठीक है। तो हम जानते हैं वैलेंस कंडीशन में क्या होता है, वैलेंस कंडीशन में होता है डिफ्लेक्टिंग टार्क टी डी वन इक्वल टू टी डी टू दोनों हो जाएगा, ये हमारे सब कट जाएंगे, हमको क्या मिलेगा लास्ट में साइन अल्फा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा साइन थीटा। हम अल्फा अल्फा को एक तरफ कर लेते हैं, थीटा थीटा को एक तरफ कर लेंगे, जब साइन अल्फा इधर कॉस में गुणे में है इधर आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा को हम लिख सकते हैं टेन अल्फा, ठीक है। साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, ये तो होता है साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है टेन अल्फा, ठीक है। तो हमारा हो गया टेन अल्फा इक्वल टू टेन थीटा, तो अल्फा इक्वल टू थीटा हो गया, ठीक है।
तो देख लीजिए क्या मिल गया हमको, अल्फा इक्वल टू थीटा मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पावर फैक्टर एंगल है क्या है कि दोनों आपस में बराबर है। तो पॉइंट को आप देख लीजिए क्या है इसको, यही पॉइंट दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपके लिए लिखा है। ठीक है, थोड़ा फिगर क्लियर होगा, ठीक है, आप समझने का प्रयास कीजिए, पढ़ रहा हूँ। इसमें क्या है कि जब डिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ पावर फैक्टर एंगल थीटा के बराबर हो जाता है, हमने दिखाया आपको कैसे बराबर हुआ, अल्फा इक्वल टू थीटा हो गया। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया पे इसलिए हमको कंट्रोलिंग टार्क की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वहाँ हम क्या करते थे डिफ्लेक्टिंग टार्क को कंट्रोलिंग टार्क के बराबर करते थे, लेकिन यहाँ दोनों मूविंग कॉयल के कारण ही आपस में डिफ्लेक्टिंग एंगल और पावर फैक्टर एंगल क्या हो जा रहा है, आपस में बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम कंट्रोलिंग टार्क का प्रयोग नहीं करते हैं। बात करते हैं दोस्तों अब इसके प्रिंसिपल के बारे में, कुछ पॉइंट है उसको समझते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि पावर फैक्टर मीटर जो होता है वो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला पॉइंट आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप में एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि पावर फैक्टर मीटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है हमारा कि पावर फैक्टर मीटर में दो फिक्स कॉइल होती हैं जिसे हम फील्ड कॉइल भी कहते हैं। फिक्स कॉइल क्या कहते हैं, फिक्स कॉइल को हम फील्ड कॉइल कहते हैं, और पावर फैक्टर में दो मूविंग कॉइल होती है, जो मूविंग कॉइल होती है उसे हम क्रास्ड कॉइल भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, उसको याद रखना। पूछता भी है कि पावर फैक्टर मीटर में कौन कितनी कॉइलें पाई जाती हैं, तो पावर फैक्टर मीटर में दो मूविंग कॉइल और दो फिक्स कॉइल होती है जैसा फिगर में मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या है कि पावर फैक्टर मीटर में कोई कंट्रोलिंग टार्क नहीं होता, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोई कंट्रोलिंग टार्क प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी इसमें जो डैम्पिंग यूज की जाती है, कौन सी डैम्पिंग यूज की जाती है, इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है। तो पावर फैक्टर मीटर में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का हम प्रयोग करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। कंट्रोलिंग टार्क कोई नहीं होता, दो मूविंग कॉइल होती हैं, दो फिक्स कॉइल होती हैं। मूविंग कॉइल को हम क्रास्ट कॉइल भी कहते हैं, फिक्स कॉइल को हम फील्ड कॉइल भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इन पॉइंट को आप याद रखिएगा, यहीं से आपको पावर फैक्टर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आइए दोस्तों हम बात करते हैं, थ्री फेज अगर होता हमारा, थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर होता तो उसमें क्या होता, बस थोड़ा सा एक पॉइंट देखेंगे बस। ठीक है, तो क्या है जो थ्री फेज का अगर लोड का पावर फैक्टर हमको मेजर करना है, ठीक है, थ्री फेज का यदि हमको थ्री फेज लोड का पावर फैक्टर मापना है तो उसके लिए क्या करते हैं, पोलराइज्ड बेन पावर फैक्टर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आ जाता है, उसे आपके यहाँ आने की चांसेस बहुत कम ही हैं, ठीक है, लेकिन अगर आता है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, मेरा प्रयास दोस्तों ये है कि आपका एक भी क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट में छूटेगा नहीं, क्योंकि मेरे वीडियो देखने वाले दोस्तों बहुत कमी हैं, आप देख रहे हो लगभग 100 से 150 लोग हैं, तो 100 से 150 लोगों में अगर सबका सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीटें दोस्तों बहुत कमी है, जान रहे हो लगभग 42 या 46 के आसपास सीटें हैं। तो इसमें मैं सोच रहा हूँ कि जितने स्टूडेंट हैं सब मेरे ही हों, सिलेक्शन वाले स्टूडेंट जितने भी हों सब मेरे स्टूडेंट हों। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको हर चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोई एक भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए, कहीं से भी जाए तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। बाकी अभी मैं आपको लगभग इंस्ट्रूमेंट के ही इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, पहले मैं आपको हिंदी में करा देंगे, बाद में मैं इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में करा देंगे। ऑब्जेक्टिव करीब 1000 से 1200 ऑब्जेक्टिव में करा दूंगा आपके लिए, सिर्फ ओनली इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बताए थे, तो अब जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको भी, ठीक है, तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो मेरा प्रयास यही है, बाकी आप देख लीजिए। ठीक है, इस पॉइंट क्या है हमारा कि किसी थ्री फेज लोड का अगर पावर फैक्टर मापना होता है तो हम पोलराइज्ड वेन पावर फैक्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा थ्री फेज में क्या होता है, तीन मूविंग कॉइल प्रयोग की जाती हैं। वहाँ पर कितनी की जाती थी, वहाँ पर दो की जाती थी, लेकिन यहाँ पर थ्री फेज में हम तीन मूविंग कॉइल का प्रयोग करते हैं। जो मूविंग कॉइल होती हैं वो 120 डिग्री के एंगल पर लगी होती हैं। कितने डिग्री पर, 120 डिग्री के एंगल पर लगी होती हैं। तो ये रहा दोस्तों पावर फैक्टर मीटर। ठीक है, हम आशा करते हैं कि जो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है, आपने समझने का प्रयास किया होगा। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक है, मैंने जो पॉइंट बोले हैं उन पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है बस। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं एनर्जी मीटर की। तो एनर्जी मीटर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए बात करते हैं एनर्जी मीटर की। तो हमको क्या बात करना है एनर्जी मीटर के बारे में, तो एनर्जी मीटर का पहले फिगर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा फिगर कट रहा है, ठीक है, एडजस्ट नहीं हो पाएगा दोस्तों पूरा फिगर। ठीक है, पूरा फिगर स्क्रीन पर नहीं आ पाएगा, तो मैं आधे आधे फिगर को मैं पहले आपको समझाता हूँ। ठीक है,
ये देखिए मेरे फिगर में पहला क्या है, मैं ऊपर से चलता हूँ, ये हमारी क्या लगी है बेयरिंग। आप जानते हो बेयरिंग किस लिए प्रयोग करते हैं, बेयरिंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि वियर एंड टियर लॉसेस को कम करने के लिए हम बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। ये हमारी क्या लगी हुई, हमारी स्पैंडल लगी हुई है, नीचे तक गई है, क्या है हमारी स्पैंडल है, ठीक है। एक वायर आया हुआ है जिसके माध्यम से हमने लोड को कनेक्ट किया है, लोड हमारा मोटर का लोड कनेक्ट है, ठीक है, मोटर को हमने लोड के रूप में कनेक्ट किया है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक संट मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है, ये संट मैग्नेट है। इस संट मैग्नेट में हमने कॉइल को बांध रखा है, वो कॉइल हमारी सप्लाई से कनेक्ट है पैरेलल के पैरेलल माध्यम में। वो कौन सी है, वो पोटेंशियल कॉइल है। इस पोटेंशियल कॉइल को हम समांतर में, ठीक है, इस संट मैग्नेट में हम कनेक्ट किए हैं, ठीक है, संट मैग्नेट में कनेक्ट किया हमने पोटेंशियल कॉइल को, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप नीचे आएंगे तो नीचे देखिए एक लगा हुआ है, क्या शेडिंग रिंग लगा हुआ है, ठीक है, शेडिंग रिंग है। इसके का क्या काम होता है इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या शेडिंग लूप लगा हुआ है नीचे, ठीक है, शेडिंग लूप का क्या कार्य होता है, शेडिंग रिंग का क्या कार्य होता है उसके बारे में हम बताएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए एक लगा हुआ है, क्या ये लगा हुआ है हमारा RGT, ठीक है, रिगार्डिंग गियर ट्रेंस बोलते हैं उसे। वो क्या होता है कि जो हमारा रीडिंग को रिगार्ड करता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है RGT का, ठीक है। ये तो रहा दोस्तों ऊपर का फिगर, हम बाकी हम आते हैं नीचे थोड़ा बहुत देखते हैं, ठीक है। मिडिल में क्या लगा हुआ है दोस्तों, आप देखिए एक रोटेटिंग डिस्क लगी हुई है, ठीक है। तो रोटेटिंग डिस्क के माध्यम से हमारा क्या कनेक्ट होता है, ये परमानेंट मैग्नेट कनेक्ट होता है। तो इस परमानेंट मैग्नेट में जब हम पोटेंशियल कॉइल को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, तो इस परमानेंट मैग्नेट में भी फ्लक्स ∅1 जनरेट होता है, ठीक है। क्या जनरेट होता है, फ्लक्स ∅1 जनरेट होता है। इसके अलावा दोस्तों नीचे आप देखिए ये सीरीज मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है, ऊपर संट मैग्नेट लगा हुआ था, नीचे सीरीज मैग्नेट लगा हुआ है। इस सीरीज मैग्नेट में ऑलरेडी हमने क्या कनेक्ट रखा है, करंट कॉइल को कनेक्ट किया है। ये करंट कॉइल क्या है, हमारी सीरीज सप्लाई में सीरीज के साथ जुड़ी हुई हमारी क्या करंट कॉइल। तो इस करंट कॉइल के माध्यम से हमारा फ्लक्स जनरेट होता है ∅2, ठीक है। बाकी नीचे भी क्या लगी है, एक बेयरिंग लगी हुई जो कि स्पिंडल नीचे आया हुआ है, ठीक है। बेयरिंग का काम जानते हैं क्या होता है, बेयरिंग काम होता है टियर एंड बियर लॉसेस को कम करने के लिए। बाकी अब इसकी चीज़ को समझते हैं कि वर्क ये कैसे करेगा, ठीक है। जब हम ऑलरेडी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो सप्लाई में हमारी क्या है, हमारी पोटेंशियल कॉइल लगी हुई है। पोटेंशियल कॉइल हमारा क्या करेगा कि हमने बताया था कोई भी कॉइल होगी, ठीक है। तो कॉइल में अगर करंट आएगी तो उसमें फ्लक्स के कारण, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा। जब मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा तो देखिए तो इसमें जो परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है, इस परमानेंट मैग्नेट में भी फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। जब फ्लक्स जनरेट होगा तो ये फ्लक्स क्या करेगा, नीचे की तरफ कार्य करेगा, ठीक है। बाकी इस करंट कॉइल में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है क्या है, ये ऊपर की तरफ कार्य करेगा। तो क्या करेगा कि ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स इस डिस्क के ऊपर लगेगा और ये फ्लक्स नीचे डिस्क की तरफ लगेगा। तो क्या करेगा, डिस्क को रोटेट करेगा। जब डिस्क हमारी ऐसे ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगी, जब हमारी डिस्क रोटेट करेगी तो डिस्क के साथ हमारा ये स्पेंडल जो लगा हुआ है, ये स्पेंडल भी हमारा रोटेट करेगा, ठीक है। जब स्पेंडल रोटेट करेगा तो यहाँ पे हमारा RGT लगा हुआ है, तो क्या करेगा कि हमारी जो रीडिंग होगी वो इंटीग्रेटिंग रूप में ऑलरेडी नोट होती रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ऐसे हमारा कार्य करता है, ठीक है। बाकी दोस्तों क्या होता है कि हम प्रयास करते हैं, ठीक है, हमारी जो पोटेंशियल कॉइल है, पोटेंशियल कॉइल हमारा इंडक्टिव हो, ठीक है। इसलिए क्योंकि इंडक्टिव होने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, हमारा जो शेडिंग रिंग होता है, क्योंकि देखिए हमने हम हर कोई प्रयास करता है, डिजाइनर जो होता है वो प्रयास करता है कि हमारी जो यूनिट हो एकदम आइडियल हो। लेकिन कोई चीज़ आइडियल होती नहीं है, थोड़ा ना थोड़ा कमी उसमें रह जाती है, ठीक है। तो उन कमियों को दूर करने के लिए फिर से कई प्रयास किए गए, ठीक है। तो हमारी जो कॉइल होती है, कॉइल को इंडक्टिव बनाने के लिए हम शेडिंग रिंग का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अगर कॉइल को हम इंडक्टिव, पूर्ण रूप से कॉइल इंडक्टिव होती नहीं है, कोई कुछ ना कुछ उसमें रेजिस्टेंस का पार्ट तो आ ही जाता है, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस आता है, उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए ही हम शेडिंग रिंग का प्रयोग करते हैं। शेडिंग रिंग के माध्यम से क्या होता है, देखो जो इंडक्टिव बनाने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो लीडिंग और लैगिंग होता है, ठीक है, करंट क्या होगा कि 90° के एंगल पर हमारा रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे इंडक्टिव बनाते हैं लीड और लैग करने के लिए। तो उसी के माध्यम से हमको रीडिंग क्या होती है, रीडिंग हमको ऑलरेडी मिलती रहती है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया। बाकी शेडिंग लूप का कार्य क्या होता है, शेडिंग लूप का प्रयोग इसलिए होता है कि जो है जब हम इसे कंपनसेशन के लिए, मतलब कि
हमने जब शेडिंग रिंग का प्रयोग किया इंडक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, तो इंडक्टिव बनाने के साथ साथ इसमें ओवर कंपेनेशन, जब ओवर कंपेनेशन हो जाता है कभी कभी क्या होता है कि जब शेडिंग रिंग को हम क्या होता है कि ये मूव कर सकती है दोस्तों, ठीक है, जो हमारी शेडिंग रिंग होती है मूव करती है, तो ऊपर नीचे इसे मूव करा के जब कभी होता है ना कि ज़्यादा मूव करा दिया हमने, ठीक है, तो क्या होता है शेडिंग रिंग ऑलरेडी अगर कोई लोड नहीं होता ना तब भी हमारी डिस्क मूव करती है, जब डिस्क हमारी बिना लोड के अगर डिस्क हमारी मूव करती है तो क्या होता है कि आपकी एक भी बल्ब नहीं जली है, ठीक है, घरों में लगा हुआ है आपका एनर्जी मीटर, क्योंकि हर घर में लगा हुआ एनर्जी मीटर आजकल लगा होता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका एक बल्ब भी नहीं जल रहा है तब भी आपकी डिस्क क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, जब डिस्क हमारी रोटेट करेगी तो स्पिंडल भी हमारा रोटेट करेगा, जब स्पिंडल रोटेट करेगा तो ऑलरेडी यहाँ रीडिंग जुड़ती रहेगी, लोड आपका कुछ भी नहीं है, एक भी बल्ब घर में नहीं जल रही है, रीडिंग आपकी आप लेकिन आपकी रीडिंग तब भी बढ़ रही है, तो वही क्या है कि इसी के माध्यम से इसको एडजस्ट करके हम शेडिंग लूप को एडजस्ट करके उस रीडिंग को भी कम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम एरर के बारे में पढ़ेंगे, मीटर में एरर क्या होगा अभी आगे पढ़ते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं, उस पॉइंट को हम देख लेते हैं, ठीक है। हम एनर्जी मीटर के बारे में दोस्तों जो पॉइंट लिखे हैं ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इन सभी पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है और रट लेना है, ठीक है, इसके बाद से आपको एनर्जी मीटर का एक भी क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है, लगभग लगभग हमने हर पॉइंट को कवर कर लिया है, ठीक है। क्या होता है कि एनर्जी मीटर जो होता है हमारा, हमें एनर्जी किस में मापता है, किलोवाट आवर में मापता है, एनर्जी मीटर जो हमारा मेजर करता है एनर्जी को किस में मापता है, किलोवाट आवर में मापता है, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है कि एनर्जी मीटर क्या है, एक प्रकार का इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, हमने बताया था कि वो डिस्प्ले भी करेगा, ठीक है, और ऐड भी करता है रीडिंग को, दोनों चीज़ किया था ना, बताया था हमने पहले जब आपको डिस्क्राइब किया था इंटीग्रेटिंग इंडिकेटिंग एंड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था, सबके बारे में बताया था कि क्या क्या होता है, तो हमारा क्या होता है कि इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डिस्प्ले करता है रीडिंग को, ऐड भी करता है, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। इसके अलावा हमारा एनर्जी मीटर क्या होता है, ठीक है, ट्रू एनर्जी को मेजर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हारा जो एनर्जी मीटर होता है क्या होता है, वो ट्रू एनर्जी या वास्तविक एनर्जी को मेजर करता है, ठीक है, ट्रू एनर्जी को मेजर करता है किस रूप में, हम जानते हैं ट्रू एनर्जी डब्ल्यू टी इक्वल टू होता है वी आई कास फाई, कास फाई हमारा क्या है, ये हमारी रिएक्टिव पावर होती है, ठीक है, तो डब्ल्यू टी इक्वल टू पी इंटू टी, ये हमारा क्या हो जाता है, एनर्जी का फार्मूला हो जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखना है हमारा कि हमारा जो एनर्जी मीटर होता है वो ट्रू एनर्जी को मेजर करता है, ठीक है। आइए बात करते हैं कुछ और पॉइंट हैं, इसके अलावा एनर्जी मीटर को मापने के लिए हम चार मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल में चार प्रकार के मैकेनिज्म होते हैं। पहला क्या होता है हमारा ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है, जो हमारा ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है रोटेटिंग डिस्क पर क्या करता है, डिफ्लेक्टिंग टायर को जनरेट करने के लिए हम ड्राइविंग मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है, डिस्क को रोटेट कराने के लिए ही, जब उस पर टार्क जनरेट होगा डिफ्लेक्टिंग टार्क, जब डिफ्लेक्टिंग टार्क जनरेट होगा तो एक दूसरे का अपोजिट में लगेगा, तो डिस्क क्या करेगी हमारी, मान चलो डिस्क है, इस पे हमारा क्या लग रहा है, इस दिशा में टार्क लग रहा है, नीचे से करंट कॉइल के माध्यम से इस दिशा में टार्क लग रहा है, ठीक है, जब इस टार्क लगेगा डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या करेगा, ये ऊपर इधर को प्रेस करेगा, ये ऊपर को प्रेस करेगा, तो क्या होगा, डिस्क हमारी क्या करेगी, रोटेट करेगी, तो इसीलिए ड्राइविंग टार्क का प्रयोग किया जाता है। ड्राइविंग मैकेनिज्म का क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क को जनरेट करने के लिए। बाकी ब्रेकिंग टार्क क्या होता है, जो हमारा परमानेंट मैग्नेट लगा होता है, ठीक है, हमने बताया था कि स्पिंडल है, स्पिंडल से हमारी रोटेटिंग डिस्क है, इस रोटेटिंग डिस्क पर हमारा क्या लगा हुआ है, ये हमारा लगा हुआ है मैग्नेट, ठीक है, तो देखिए रोटेटिंग डिस्क और इसके बीच में क्या होता है, डिस्टेंस, इस मैग्नेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमारी इसकी स्पीड पर निर्भर भी करता है, ठीक है, यदि हम स्पिंडल और इस मैग्नेट के बीच की डिस्टेंस को हम कम कर दें तो स्पीड हमारी कम हो सकती है, क्या होता है फार्मूला इसका, यन प्रोपोर्शनल अपॉन डी होता है, ठीक है, तो इस स्पिंडल और इस मैग्नेट के बीच का डिस्टेंस अगर हम कम करते हैं तो रीडिंग की स्पीड, मतलब जो रोटेटिंग डिस्क होती है उसकी स्पीड कम होती है, जब स्पीड कम होगी, अगर हमारी डिस्क कम स्पीड से घूमेगा तो हमारी रीडिंग भी कम आएगी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है ना, जैसे कि अगर आपके रीडिंग में एरर होती है तो आप कंप्लेन करते हो सर कि मेरी लोड बिल्कुल नहीं रहता लेकिन रीडिंग हमारी ज़्यादा आती है, कि तो मीटर को चेंज, आजकल तो क्या होगा मीटर को चेंज कर देते हैं, पहले क्या होता था कि वो आता था कि आपको इसी को एडजस्ट करता था, ठीक है, तो इसके बीच के डिस्टेंस को कम करता था, जब डिस्टेंस को कम करेगा तो क्या होगा, जब डिस्टेंस कम होगी तो रीडिंग हमारी क्या होगी, स्पीड हमारी अधिक बढ़ेगी, लेकिन जब डिस्क की दूरी को अगर बढ़ाएगा, मतलब इस डिस्क को अगर थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा कर देगा, जब डिस्टेंस ज़्यादा करेगा तो रीडिंग इसकी स्पीड ऑलरेडी कम हो जाएगी, ठीक है, तो ये सब प्रक्रियाएँ हैं पहले की, लेकिन आजकल तो डिजिटल मीटर आ गए हैं,
इनका प्रयोग भी लगभग धीरे धीरे कम ही हो रहा है ना एलार्मीटरों का। ठीक है, अब बात करते हैं किसका हम, रोटेटिंग मैकेनिज्म की। तो रोटेटिंग मैकेनिज्म काम क्या होता है, वही डिस्क को रोटेट करना। ठीक है, इसके अलावा क्या, रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म हमने बताया था। रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, RGT का प्रयोग करते हैं, जिसे बोलते हैं रिड्यूस्ड गियर ट्रेन्स। ठीक है, RGT काम क्या होता है, रिड्यूस्ड गियर ट्रेन। जो हमारे स्पेंडल रोटेट करता था तो वहाँ पे RGT लगा हुआ है, जितनी बार वो स्पेंडल घूमेगा उतनी बार वो रीडिंग क्या करेगा, नोट करेगा, इसीलिए वहाँ पर रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म काम करता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कितने प्रकार के मैकेनिज्म काम करते हैं एनर्जी मीटर में, तो 4 प्रकार के मैकेनिज्म हैं। कौन कौन से हैं, ड्राइविंग मैकेनिज्म है, ब्रेकिंग मैकेनिज्म है, रोटेटिंग मैकेनिज्म है और रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है। ये 4 प्रकार के मैकेनिज्म हमारे एनर्जी मीटर में कार्य करते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आज आपको काफ़ी चीज़ें एनर्जी मीटर के बारे में जानकारी मिली होगी। ठीक है, तो अगर चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसके आगे कुछ पॉइंट और हैं अभी। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, हमने बताया था पोटेंशियल कॉइल सप्लाई के साथ समांतर में कनेक्ट होती है। इस चीज़ को मैंने बताया था, जो पोटेंशियल कॉइल होती है हमारी, हम उसको क्या कनेक्ट करते हैं, समांतर में कनेक्ट करते हैं। करंट कॉइल को हम सप्लाई के साथ सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, तो करंट कॉइल लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है। ठीक है, तो हमारा लोड लगा होता है उसके साथ क्या होती है, करंट कॉइल हमारी सीरीज में कनेक्ट होती है। इसके अलावा जो हमारी एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी मीटर में पोटेंशियल कॉइल हाईली इंडक्टिव होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि एनर्जी मीटर में जो पोटेंशियल कॉइल होती है वो क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल कॉइल हाईली इंडक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, हाईली इंडक्टिव होनी चाहिए एनर्जी मीटर की पोटेंशियल कॉइल। ठीक है, इसके अलावा हमने बताया था अभी स्पीड को मेजर करने के लिए, ठीक है, तो n प्रोपोर्शनल 1/d के, अगर d हमारी अधिक होगी, अगर d हमारी कम होगी तो स्पीड हमारी अधिक होगी, अगर d हमारा अधिक होगी तो स्पीड हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हमको रोटेटिंग की स्पीड को कम करना है रोटेटिंग डिस्क की, जब रोटेटिंग डिस्क की स्पीड को कम करना है तो क्या करेंगे, उसके बीच के डिस्टेंस को हम बढ़ा देंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, ऑलरेडी कम हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्रीपिंग एरर। हम बात करते हैं एरर की, एरर को हम बहुत अच्छे समझेंगे, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट को ऑलरेडी मैं लिख दिया हूँ, समझें आप। एक क्रीपिंग एरर, तो क्रीपिंग एरर एक नंबर में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का। ठीक है, आपको कोई पॉइंट आपको याद हो ना याद हो, लेकिन ये पॉइंट आपको ज़रूर याद होना चाहिए कि क्रीपिंग एरर किस इंस्ट्रूमेंट में होती है। तो क्रीपिंग एरर एनर्जी मीटर में होती है, आप जाके देखिएगा, एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, एनर्जी मीटर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा वहाँ पे, या प्रीवियस ईयर का पेपर हो अगर आपके पास एक आध दो साल का, तो आप देखोगे कि क्वेश्चन की आने की प्रायिकता कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी नहीं याद करना है एनर्जी मीटर में, लेकिन इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना है, क्रीपिंग एरर किसके लिए प्रयोग की जाती है, क्रीपिंग एरर एनर्जी मीटर में होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या याद रखना है आपको कि इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एनर्जी मीटर हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है एनर्जी मीटर में। ये दो पॉइंट आपको जरूर याद होने चाहिए, इसी दो पॉइंट से आपके क्वेश्चन हो जाएगा एनर्जी मीटर का। ठीक है, आइए बात करते हैं, कुछ और पॉइंट हैं अभी। अब किसकी बात करते हैं, बात करते हैं एरर की, कि एनर्जी मीटर में जो एरर क्या होती है। ठीक है, तो पहले हमारी क्या है, फ्रिक्शन एंड लाइट लोड एरर। जो हमारे फ्रिक्शन एरर होती है या लाइट लोड एरर होती है उसको हम कैसे कम करते हैं, तो हमने बताया था फ्रिक्शन एरर को कम करने के लिए हम शेडिंग लूप का प्रयोग करते हैं, और ठीक है, लाइट लोड एरर को कम करने के लिए शेडिंग लूप के साथ साथ मैग्नेट का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैग्नेट और शेडिंग लूप के माध्यम से हम लाइट लोड एरर को कम कर सकते हैं। लाइट लोड एरर का मतलब दोस्तों वही हुआ है स्पीड की रोटेट करना। ठीक है, मतलब कोई लोड नहीं है तब भी हमारी डिस्क क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उसी को कम करने के लिए ही हम लाइट लोड को कम करने के लिए शेडिंग लूप या मैग्नेट का प्रयोग करते हैं। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, आइए बात करते हैं क्रीपिंग की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, क्रीपिंग ये, क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो क्रीपिंग एरर में क्या है दोस्तों, क्रीपिंग एरर जनरेट कैसे होती है, हमने बताया था आपको क्रीपिंग एरर ओवर फ्रिक्शन कंपनसेशन के कारण। ठीक है, ओवर फ्रिक्शन कंपनसेशन के कारण, मतलब हम कॉइल को इंडक्टिव बनाने के चक्कर में, ठीक है, जब कॉइल को हमको इंडक्टिव बनाना होता है
तो हमारा जो शेडिंग रिंग होती है उसको सेट करने के चक्कर में अगर उसे हम ओवर कर देते हैं, ठीक है, ओवर फ्रिक्शन कंपनसेशन कर लेते हैं, तब उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी क्रीपिंग जनरेट होती है, ठीक है। तो क्रीपिंग एरर को हम दूर कैसे करते हैं उसके बारे में तीन चार विधियां हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्रीपिंग एरर को देखिए दोस्तों, क्रीपिंग एरर को हम दूर करने के लिए क्या करते हैं, हमारी जो रोटेटिंग डिस्क होती है उस रोटेटिंग डिस्क में अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में दो होल कर दें, ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में दो होल कर देंगे तो उसके माध्यम से भी हम क्रीपिंग एरर को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली, अगर हमको क्रीपिंग एरर एनर्जी मीटर से क्रीपिंग एरर को दूर करना है तो उसको किस माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। तो हमारी जो रोटेटिंग डिस्क होती है उस रोटेटिंग डिस्क में हम यदि दो होल कर दें अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि इस अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होगा तो इसके माध्यम से क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टारगेट जनरेट होगा। जब डिफ्लेक्टिंग टारगेट जनरेट होगा तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो इसकी स्पीड क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। बाकी दूसरी विधि क्या है कि इसमें दोस्तों हम स्लॉट बना सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप देख लीजिए कि अपोजिट साइड एक जो अपोजिट होल होते हैं एक दूसरे के अपोजिट में टार्क जनरेट करते हैं, जो मैंने आपको बताया वही पॉइंट मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। जब हमने उसमें होल किया तो होल करने के बाद उसमें दोनों में क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में टार्क जनरेट होता है, जब डिफ्लेक्टिंग टार्क जनरेट होता है तो एक दूसरे का अपोज में लगता है, तो इसलिए जो है रोटेटिंग डिस्क की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा दूसरा पॉइंट है, क्या कर सकते हैं कि हमारी जो रोटेटिंग डिस्क होती है उस रोटेटिंग डिस्क में यदि हम क्या कर दें, स्लॉट काट दें, ठीक है, ऐसे हम स्लॉट काट दें, ठीक है, दो स्लॉट अगर हम ऐसे काट दें रोटेटिंग डिस्क में अपोजिट डायरेक्शन में, जो काम हमारा होल का है वही काम हमारा इस स्लॉट का भी है। तो स्लॉट में भी हमारा क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स कारण हमारा क्या होगा, वही डिफ्लेक्टिंग टार्क जनरेट होगा, जब डिफ्लेक्टिंग टार्क जनरेट होगा तो एक दूसरे का अपोज में लगेगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो इसकी स्पीड ऑलरेडी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को कम करने के लिए या कि तो हम दो होल कर सकते हैं या दो स्लॉट काट सकते हैं। इसके अलावा एक क्या होता है कि दोस्तों जो हमारी रोटेटिंग डिस्क होती है उसमें छोटा सा हम मैग्नेट कट, ठीक है, क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा सा मैग्नेट चिपका सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है और काफ़ी लोग इसका यूज़ भी करते हैं, ठीक है, जिनके घर में एनालॉग मीटर लगा है एनर्जी मीटर का, तो बहुत लोग इस चीज़ का यूज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि हमारी जो रोटेटिंग डिस्क होती है उस रोटेटिंग डिस्क में मैग्नेट चिपका देते हैं, जब मैग्नेट लगा देते हैं तो ऑलरेडी उसकी स्पीड कम हो जाती है, जब वो कम स्पीड से घूमेगा तो रीडिंग कैसे मिलेगी आपको, ठीक है, जब वो कम स्पीड से चलेगा, जब कम स्पीड से चलेगा तो क्या होगा, स्पेंडल भी नहीं घूमेगा, जब स्पेंडल जब तक एक चक्कर स्पेंडल मारेगा घूम नहीं तब तक रीडिंग हमको मिलेगी नहीं, ठीक है। तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम होने से स्पेंडल हमारा मूव नहीं कर पाएगा, जब स्पेंडल मूव नहीं करेगा रीडिंग मिलेगी नहीं। तो ये सब एरर को कम करने के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नेट लगाने से क्या होगा, जब मैग्नेट हम साउथ और नॉर्थ पोल के माध्यम से मैग्नेट वैसे रखेंगे तो कुछ तो मैग्नेट इसमें होगा ऑलरेडी, रोटेटिंग डिस्क में कुछ मैग्नेट होगा, हम ऑलरेडी उस पर एक मैग्नेट लगा देते हैं, तो मैग्नेट क्या होता है, एक दूसरे को भी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, EMF जनरेट करेगा, फोर्स लगेगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क जनरेट होगा, फिर क्या करेगा, डिस्क को रोटेट करने में इसकी स्पीड को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, जब स्पीड कम होगी तो ऑलरेडी मेरी एरर भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्रीपिंग एरर क्या होती है दोस्तों, आप समझ लीजिए, ठीक है, हमने जो बताया आपको क्रीपिंग एरर मतलब क्या होता है कि जब मेरे घर में एक भी बल्ब ऑन नहीं है तब भी मेरी मीटर की रीडिंग चल रही है, तो उस कंडीशन में हमारी क्या होती है, वो एरर होती है। वो एरर किस कंडीशन में होती है, ओवरलोड, ठीक है, कंपनसेशन के कारण, जब हमने ऑलरेडी कॉइल को इंडक्टिव बनाने के चक्कर में, ठीक है, हमने उसे ज़्यादा ओवरलोड कर दिया तो क्या होता है कि उस कंडीशन में अगर कोई भी रीडिंग नहीं होती है तब भी हमारी डिस्क रोटेट करती है, जब डिस्क हमारी रोटेट करेगी तो ऑलरेडी आपकी मीटर की रीडिंग क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हमने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया, हम आशा करते हैं कि आपको एनर्जी मीटर समझ में आया होगा, ठीक है। जितने पॉइंट होते हैं दोस्तों एनर्जी मीटर में लगभग हमने हर चीज़ को आपको अच्छे से समझाया, कुछ एरर और भी हैं जैसे वोल्टेज के कारण, ओवर वोल्टेज के कारण जो एरर होती है उसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें पूछेगा नहीं लेकिन मैं बता ही देता हूँ आपको भी, ठीक है। जैसे ओवर वोल्टेज के कारण एरर को कम करना है, ठीक है, ये हमारी क्या है,
ये हमारा फिर उसमें क्या होता है, संट सेचुरेटेड मैग्नेट का प्रयोग करते हैं हम ओवर वोल्टेज लोड को कम करने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं, संट वोल्टेज, संट सेचुरेटेड मैग्नेट, किसका, संट सेचुरेटेड, ठीक है, सेचुरेटेड मैग्नेट का हम प्रयोग करते हैं ओवरलोड वोल्टेज को कम करने के लिए। ओवरलोड वोल्टेज की माध्यम से जो एरर आती है, ओवरलोड वोल्टेज के माध्यम से जो एरर आती है, उस एरर को हम कम करने के लिए संट सेचुरेटेड मैग्नेट का प्रयोग करते हैं। जो हमारी संट कॉइल होती है उसी के आसपास क्या करते हैं, मैग्नेट का, छोटे छोटे मैग्नेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम संट सेचुरेटेड मैग्नेट का प्रयोग करके ओवरलोड वोल्टेज को कम कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपके यहाँ इतना डीप भी नहीं पूछेगा, ठीक है, तब भी मैंने आपको काफ़ी डीपली पढ़ाया है, हम आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी इतना ज़्यादा डीप में आपके यहाँ नहीं पूछेगा। आइए हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है, कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं रखे यहाँ, लेकिन 8-10 ऑब्जेक्टिव हैं, उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद को वीडियो को ही खत्म करते हैं, ठीक है। आइए ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पावर फैक्टर मीटर में क्या होता है, एक कुंडली होती है, दो होती हैं, धारा और वोल्टेज कुंडली, या केवल वोल्टेज कुंडली होती है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो हमने बताया था दो कुंडली होती हैं, ठीक है, एक करंट कॉइल और एक फिक्स्ड कॉइल, फिक्स्ड कॉइल को फील्ड कॉइल या वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, पावर फैक्टर मीटर में दो कॉइल होती हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रीपिंग समानता डॉट डॉट में होती है, क्रीपिंग किस में होती है, वाट घंटा मीटर में, पावर फैक्टर मीटर में, वाट मीटर में, या के बी ए आर मीटर में। तो हमने बताया था जो हमारी क्रीपिंग होती है वो एनर्जी मीटर में होती है, तो एनर्जी मीटर किस में मापता है, किलोवाट आवर में मापता है, हमने ये भी बताया था आपको। तो क्या हो जाएगा, वाट घंटा मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, वाट घंटा मीटर में क्रीपिंग एरर होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो उसमें क्रीपिंग समानता क्या है या क्रीपिंग कहाँ पर होती है, तो क्रीपिंग हमारी एनर्जी मीटर में या वाट आवर मीटर में होती है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एम्पियर घंटा किस राज्य को मापन करता है। आप यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना, यहाँ एम्पियर घंटा की बात किया है, वाट आवर की बात नहीं किया है, यहाँ एम्पियर आवर की बात किया है, नहीं तो आप मार दो एनर्जी मीटर, तो यहाँ एनर्जी मीटर नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ सेल की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो सेल की कैपेसिटी के लिए हम प्रयोग करते हैं क्या, एम्पियर आवर का, ठीक है। ए एच मीटर, ए एच क्या होती है, सेल की कैपेसिटी की यूनिट या मात्रक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक ऊर्जा मापी पर कोई लोड नहीं है, एक एनर्जी मीटर पर कोई लोड नहीं है, परंतु उसकी चकती बहुत धीमी गति से परिभ्रमण करती है, तो इसका कारण क्या है। मैंने आपको अभी बताया था, अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि अगर कोई एनर्जी मीटर है उस पर कोई लोड नहीं है, मतलब आपके घर की कोई बल्ब, एक फैन तक नहीं जल रहा है, एक बल्ब तक नहीं जल रही, 0 वाट की कुछ भी नहीं जल रहा, तब भी आपके मीटर की जो रोटेटिंग डिस्क लगी है, जैसे चकती को डिस्क बोलते हैं हिंदी में चकती बोलते हैं, अंग्रेजी में डिस्क बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारी चकती है, हमारी जो डिस्क है, वो डिस्क हमारी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उसके कारण से कौन सी एरर होती है, क्या होता है, फेज त्रुटि होती है, क्रीप एरर होती है, या फ्रीक्वेंसी त्रुटि होती है, या घर्षण त्रुटि या फ्रिक्शन एरर होती है। तो हमने बताया था वो कौन सी एरर होती है, वो हमारी क्रीप एरर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, इसी क्रम में वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ठीक है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ऊर्जा मापी में डिस्क की स्थिर गति प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, मतलब हमारी जो रोटेटिंग डिस्क है उसकी गति को कांस्टेंट करने के लिए या स्थिर करने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, क्या होगा, उस किस कंडीशन में डिस्क उसकी स्थिर होगी, जब हमारा डिफ्लेक्टिंग टार्क मतलब विक्षेपण टार्क ब्रेकिंग टार्क के बराबर हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारी जो रोटेटिंग डिस्क होती है क्या होती है, वो स्थिर गति से चलती है या कांस्टेंट गति से चलती है, ठीक है। तो रोटेटिंग डिस्क की स्पीड को कांस्टेंट करने के लिए हमको डिफ्लेक्टिंग टार्क ब्रेकिंग टार्क के बराबर करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप रट लें, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा यंत्र इंटीग्रेटिंग टाइप यंत्र है। हमने बताया था कि आपको कुछ याद रहे एनर्जी मीटर में या न याद रहे, लेकिन ये पॉइंट आपको जरूर याद होना चाहिए कि
दोस्तों क्या था कि इंडियन में से कौन सा यंत्र इंटीग्रेटिंग टाइप यंत्र है, ठीक है। हमने बताया था कि आपको कुछ याद रहे या न याद रहे, लेकिन आपको दो पॉइंट जरूर याद रखना है। क्रीपिंग कोल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, क्रीपिंग हमारी एनर्जी मीटर से संबंधित है। इसके अलावा एनर्जी मीटर हमारा किस टाइप का यंत्र होता है, तो एनर्जी मीटर हमारा क्या होता है, ऊर्जा मापी यंत्र होता है, इंटीग्रेटिंग टाइप यंत्र, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग टाइप क्या होता है, हमारा एनर्जी मीटर होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की, ठीक है। दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है कि ऊर्जा मापी में क्रीपिंग दोष का मुख्य कारण क्या है, जो क्रीपिंग होती है वो क्रीपिंग का मेन कारण क्या है एनर्जी मीटर में, क्या होता है, घर्षण का अत्यधिक कंपनसेशन या स्ट्रेस चुंबकीय क्षेत्र या दोलन या पोटेंशियल कुंडली पर अधिक वोल्टेज। तो मैंने बताया था कि यदि हमको क्या करना है कि हमारी जो पोटेंशियल कॉइल है उसे इंडक्टिव बनाना है, ठीक है। तो उसे हम इंडक्टिव बनाने के चक्कर में उसे अधिक, जब हम अधिक कंपनसेशन कर देते हैं उसका, तो अधिक कंपनसेशन के कारण ही हमारी क्रीपिंग एरर जनरेट होती है। तो घर्षण का अत्यधिक कंपनसेशन, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। फ्रिक्शन का मैक्सिमम कंपनसेशन के कारण ही एनर्जी मीटर में क्रीपिंग दोष होता है, ठीक है। तो हमने बताया था दोस्तों जितने पॉइंट आपको लिखाए थे लगभग वहीं से क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी अभी जब मैं सीरीज लेके आऊँगा ऑब्जेक्टिव टाइप की, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की, तब आपको वहाँ पर ऐसे सारे क्वेश्चन मिलेंगे एनर्जी मीटर से, पावर फैक्टर मीटर से, बाकी और जो मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट पाए हैं मूविंग कॉइल, ठीक है, या डायनमोमीटर आपका या वाट मीटर, सभी क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव में आपको कराऊंगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।